चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज 3.6 से पहले कुछ एग्जांपल से पहले वो करेंगे हम लोग। तो एग्जांपल नंबर 17 है, इसमें दिया हुआ है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो देखिए डायरेक्टली जो हम लोगों ने पढ़ाई की है लीनियर इक्वेशन की, ये लीनियर इक्वेशन इस समय नहीं है क्योंकि एक्स 1/x लिखा हुआ है। 2/x जो लिखा होता है इसका मतलब क्या समझते हैं, 2 × 1/x। तो 1/x लीनियर नहीं है, इट इज नॉट लीनियर, लीनियर नहीं है, लीनियर होता है x। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही, तो हमको इनको अगर सॉल्व करना है तो हमको इसको लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यानी 1/x को कोई वेरिएबल मान लें और 1/y को कोई वेरिएबल मान लें और इसको ट्रांसफॉर्म कर लें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस सवाल को आगे बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन को 2/1/x प्लस 3 × 1/y इसको 213 और 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y इसको 2 − 2, इस तरह से इसको लिख लिया। अब आगे देखते हैं, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशंस ax + by + c के फॉर्म में नहीं है, ये होता है लीनियर इक्वेशन, x और y की पावर 1 है या x से छोटी है, c में 0 है, तो ये बनेगी लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, 1/x को p ले लेंगे और 1/y को q ले लेंगे और उस इक्वेशन में जो पीछे इक्वेशन थी है ना, पुट कर देंगे इसमें 1/x की जगह p, 1/y की जगह q, तो 2p + 3q = 13, 2p + 3q = 13, 5p − 4q = −2, इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों इक्वेशंस p एंड q में लीनियर हैं, अब p और q लीनियर इक्वेशन के अंदर आता है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, सो वी हैव एक्सप्रेस द इक्वेशन एज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नाउ यू कैन यूज एनी मेथड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड गेट p = 2 एंड q = 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करना आता है हम लोगों को, कोई भी मेथड लगा दीजिए आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, एलिमिनेशन लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3, ठीक है। अब इस 2, 3 को वापस, अब अभी सॉल्व नहीं हुआ, x की वैल्यू नहीं निकली है, तो 1/x = 2 हो गया क्योंकि p बराबर 2 था और q बराबर था 3, तो 1/y = 3, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू 1/3। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है, कोई भी स्पेशलिटी स्पेशल नहीं है, बस लीनियर इक्वेशन नहीं थी, उसको लीनियर इक्वेशन बना लिया गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, ये देखिए, अब सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ भी देखिए 1/x − 1 लीनियर नहीं है, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1/x − 1 को p ले लो और 1/y − 2 को q ले लो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, ये इक्वेशंस ऐसी लिखा गई 5 + 0 = 2, तो 5 और इसकी जगह p लिख दिया और इसकी जगह q लिख दिया = 2, इसकी जगह 6 × p 3 − 3 × q = 1, ये देखिए लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, अब इन्होंने सॉल्व करके दिखाया नहीं, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे ऐसा मान के चल रहे हैं, p की वैल्यू आ जाएगी 1/3 एंड q की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अब p की वैल्यू जो हमने मानी थी 1/x − 1 = 2 वो हो गई 1/3, अब इसको सॉल्व कीजिए, x − 1 = 3 देन x = 4। अब इसी तरीके से 1/y − 2 बराबर हो गया 1/3, इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई 5। इस अब जाके सवाल सॉल्व हुआ कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, और वेरिफिकेशन के लिए अगर चाहें तो इन दो वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट करके देख लें जो क्वेश्चन दिया गया था, अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा सवाल का सलूशन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 19, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के लिए आपको आना चाहिए अच्छे से।
ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जिस तरफ से फ्लो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, अपस्ट्रीम। हाँ, अगर रिवर का फ्लो इधर है, फ्लो ऑफ रिवर या पानी जो भी बोले, आप इस तरह से जा रहे हैं, ये बोल देते हैं बोट, तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। और उसी दिशा में जा रहे हैं दोनों लोग तो बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। तो इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, होगा तो गलत हो जाएगा मामला। ठीक, तो लिखते हैं कि अपस्ट्रीम जाने में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 10 घंटे में जाता है। 10 घंटे में 30 किलोमीटर ऐसे चलता है और 44 किलोमीटर ऐसे चलता है। फिर लिखते हैं इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। पता करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में क्या क्या स्पीडें होंगी। तो ठीक है, ये सवाल ऐसे सवाल कई बार मुंह ने किए हो जाएंगे आराम से। अब स्पीड इन स्टिल वाटर बोट और रिवर की कुछ मान लेते हैं। तो हमने ले ली बोट की स्पीड एक्स और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज वाई, एक्स और वाई ले लिया। देन द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, अब डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड हो जाती है, जुड़ जाती है एक्स प्लस वाई। और जब अप स्ट्रीम की बात होगी तो हमारा एक्स माइनस वाई हो जाएगी बोट की स्पीड। हमेशा ध्यान रखिएगा जो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम माइनस करना होगा, वाई माइनस एक्स नहीं करेंगे, क्योंकि वाई माइनस एक्स कर दोगे तो इसका मतलब बोट की स्पीड पानी की स्पीड से कम है, तो बोट आगे बढ़ेगी ही नहीं, पीछे खिसकती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग। तो टी वन निकालो तो 30 किलोमीटर कैसे जा रहा था वो अप स्ट्रीम, तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक, दूसरा 44 किलोमीटर जा रहा था कैसे, डाउन स्ट्रीम, तो टी टू टाइम जो लगा वो हो गया 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। दोनों टाइम को ऐड कर दो, टी वन प्लस टी टू, तो दोनों टाइम को ऐड किया तो कितना घंटा निकला, 10 आवर्स। तो 10 घंटे टोटल लगे उसमें, जिसमें ये 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई की बात निकल के आती है। ठीक है, अब देखिए इन सेकंड केस, हमारे पास दूसरा जो केस था उसमें कहता है 13 घंटे में 13 आवर्स में इट कैन गो अप टू 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। इसको टी वन प्लस टी टू कर दिया, मतलब जो इसकी टाइम आ रहा था तो वो टाइम कितना है 13 आवर्स। तो अब इस लैंग्वेज से हमारा ये सब ये इक्वेशंस बनी है, एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, और ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हम लोग 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को यू पुट कर देंगे और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को वी पुट कर दो। अब ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये देखिए ये दोनों इक्वेशन कैसी हो गई, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आ गई। अब इन दोनों को किसी भी मेथड को लगा के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पैटर्न लगाने का तरीका क्या है, यू अपॉन लिखो, वी अपॉन लिखो और वन अपॉन लिखो। यू के लिए लगा रहे तो यू को क्लोज डाउन कर लो मेंटली या फिजिकली हाथ लगा के, और फिर 44 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस 10 इंटू 55। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेथड हम लोग सीख चुके हैं, तो वही मेथड आप अप्लाई कर दो। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी यू बराबर 1/5 और वी बराबर 1/11। अभी आंसर आया नहीं है, अब यू की वैल्यू थी 1/x-y, तो यू की वैल्यू थी 1/x-y, तो ये बराबर किसके हो गया 1/5 के, और वी की वैल्यू थी 1/x+y, तो ये बराबर हो गया 1/11 के। अब फिर से ये देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 बना लिया। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, तो 2x बराबर 16, तो एक्स बराबर 8, तो एक वैल्यू निकली एक्स बराबर 8,
स्टिल वाटर में और दूसरे में घटा दिया तो वाई बराबर 3। अब आंसर आ गया 8 किलोमीटर स्पीड बोट की है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये तीन एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज से पहले जो हम लोगों ने लगा लिए।